तो भाई साहब आज है 14 अगस्त और कायदे आजम जितने मजे से सो रहे हैं अपनी कब्र में। पाकिस्तान बना दिया और छोड़ दिया हमें इन जालिमों के साथ। नहीं, मैं तो ना होने दूंगा। 14 अगस्त को तुम्हारा भाई एस्थेटिक का 14 बन के कायदे आजम के मजार जाएगा और उनसे शिकायतें करेगा। आप रेडी हो? आ जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान दिया, मौत दिया पाकिस्तान ने। भाई साहब अब आप नोटिस करते जाएं कि ये जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान का झंडा बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं, इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान कैसे आजाद हुआ, क्या आजाद हुआ, हमारे क्या काम है, हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। इनको लगता है शायद पीपड़ी बजा के जो है हम अपना फर्ज अदा कर लेंगे। इनसे पूछोगे पाकिस्तान किसने आजाद किया तो आगे से कहते हैं कायदे आजम अल्लामा इकबाल ने। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में लप्पू सा तो पाकिस्तान है, चिंगू सा तो है साला, बोलना उसको आवे ना। अमेरिका की जबान बोलता है वो, जो अमेरिका बोलता है वो सब करता है। बिजली वहाँ पे होवे ना, गैस वहाँ पे होवे ना, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। कायद के मजार की तरफ गए थे और कायद का मजार जो है बंद है, उनको अभी तकलीफ नहीं दी जा रही, उनको सोने दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ आ गया हूँ कायदे आजम से मिलने और ये रहे हमारे कायदे आजम। मुझे इतनी शिकायतें करनी है ना आपसे चाचू, मैं बता नहीं सकता। और ये अजीब अजीब कायदे आजम का मुंह अजीब अजीब से क्यों लग रहा है यार? अच्छा हाँ, वो इतने दिन हो गए ना इनका मुंह नहीं धुला होगा। ये देखो इनकी शलवार भी थोड़ी देख रहे हो, कुछ साफ ही नहीं करता तुम्हें यार। और तुम क्यों दी हमें आजादी? कायदे आजम मुझे सिर्फ आप इतना बता दो कि जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का और आपको वहां पे सीट्स ऑफर की थी इंडिया की, तो आपने क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि मैं अपनी कौम को आजादी के सुकून में देखना चाहता था। बाबा कौन सी आजादी, कौन सा सुकून? अंग्रेजों से आजादी मिली, अपनों से नहीं मिली। हाँ मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम याद रखना तुम मेरी कौम के बच्चे हो, गिर सकते हो लेकिन हार नहीं सकते। अरे बाबा आप मेरी एक बात सुनो, आपके इस डायलॉग से ना हमारा पेट नहीं भरने वाला है और ना तो पेट्रोल सस्ता होने वाला है। यहाँ तक आने के लिए भी 300 रुपए का पेट्रोल डलवाया है मैंने। बाबा पहले के टाइम पे ना आपकी कौम के लोग ना भीख मांगते हुए शर्माते थे और अभी के टाइम पे यही लोग सीना ठोक के हाथ रोक के मांगते हैं। मैं तो अपनी इस कौम को सरे फहरिस्त देखना चाहता था। बाबा आपकी कौम सरे फहरिस्त तो है लेकिन नीचे से। यार कायद आप नहीं जानते यार, आपके इस प्यारे पाकिस्तान में ना तो रहने के पैसे हैं ना भागने के पैसे हैं यार। आपके इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ना सबसे ज्यादा अबाई वाली औरतों को छेड़ा जाता है और आपके इसी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ना सबसे ज्यादा गे पॉर्न देखी जाती है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आप यकीन करें कुछ लोग तो पछताते हैं कि आपके बुलाने पे हम क्यों आए, लेकिन गलत है, हमें नहीं कहना चाहिए ऐसा। आपसे प्यार करते हैं, आपके बुलाने पर ही आए। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि उम्मीद रब से रखो, वो सबको सब कुछ दिखाएगा। वक्त अच्छा हो या बुरा, उसकी फितरत है, वो बदल जाएगा। खैर आपका सबसे लाडला बेटा, लाडला शहर कराची, आबादी इस कदर बढ़ रही है, ना तो यहाँ पे रहने के पैसे है, ना तो यहाँ जमीन के पैसे है, ना तो यहाँ घर कर सकता है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अर्श पे जाओ। अरे बाबा यहाँ पे फर्श पे बैठने को पैसे नहीं है और आप अर्श पे भेज रहे हो। 15,000 में प्लॉट। वेलकम टू दी अर्श रेसिडेंसी, आ जाइए। दुनिया की इस बढ़ती हुई महंगाई में अर्श रेजिडेंसी लेकर आ रहा है, जीरो डाउन पेमेंट पे दे रहा है प्लॉट, वो भी महीने की 15,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे। भाई मेरे लिए भी एक छोड़ देना यार। तो अब मैं बताता हूं आपको इनका मास्टर प्लान। जब भी आप जाते हो प्लॉट के लिए तो बिल्डर आपसे लेता है 2 से 3 लाख रुपए बुकिंग के लिए, और वही दूसरी तरफ आप जाएंगे अर्श रेजिडेंसी 15,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट लेके, उसी में ही आपकी बुकिंग पक्की, मतलब के फायदा। मैं नहीं मानता। और वहीं दूसरी तरफ अदर बिल्डर्स आपसे लेते हैं हाफ एयरली लाखों रुपए, और अर्श रेजिडेंसी ले रहा है 30,000 रुपए हाफ एयरली, और वो भी आप इंस्टॉलमेंट में ऐड करवा सकते हो, मतलब के फिर से फायदा। मैं नहीं मानता। तो अब बात करते हैं भरोसे की, तो इसके लिए हम जाएंगे इसके डायरेक्टर के पास। मैं बोलता हूँ उससे भरोसा नहीं करें आप, पेपर को जानते हैं, पेपर पे भरोसा करेंगे? आप वेरिफिकेशन करें हर चीज की, आप आए अगर एक प्लॉट के लिए भी मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपको 15,000 मुझे दे रहे हैं, तो उसकी भी वेरिफिकेशन करें मेरे पेपरों की।
आप जाएं रेवेन्यू जाएं एमडीए जाएं मेरे पेपर लेके जाएं, मैं देता हूं आपको पेपर, वेरिफिकेशन करें फिर आगे मुझे पैसे दें। फर्श पे रहते रहते अगर आपको चाहिए अर्श के मजे तो जल्दी से पहुंचिए अर्श रेजिडेंसी और अपना प्लॉट बुक कीजिए। अगर चाहते हो सुकून की जिंदगी तो अर्श पे अपना प्लॉट बुक करें, वरना कराची की इस बेसुकून जिंदगी में मरें। फाइनली वीडियो इज गोइंग टू एंड, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, और मेरे और मेरी वाइफ की तरफ से वाइफ 14 अगस्त मुबारक हो। 14 अगस्त अनाउंसमेंट ये है कि 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और अब होगा ग्रैंड वीडियो। कराची में नहा लो धो लो पोंछ लो हग लो मूत लो जो करना है करो। कराची में नहीं हो तो आ जाओ बहुत जल्दी, जगह डेट और टाइम एक हफ्ते का टाइम है। हाँ मतलब वो भी अनाउंस कर देंगे ना डेट टाइम वगैरह जो भी है, तो आना है लाजमी एक दफा भाई की खातिर। Yes! साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स और गाना गाएंगे मैं तेरा, हाय रे जबरा फैन हो गया, लव यू।